गुरु का हमेशा संसर्ग रखना ही चाहिए। इसीलिए ज्ञानी गुरु भगवंत कहते हैं कि आय धर्म, हमारे अपने जीवन में आज्ञा धर्म को ही प्रधानता दी गई है। गुरु की आज्ञा को स्वीकार करना ही शिष्य का कर्तव्य बनता है और उस आज्ञा को आत्मसात करके उसके अनुरूप अपने जीवन की प्ररूपणा करना, प्रवर्तन करना, उस पर चलने का प्रयास करना, वही मोक्ष सुख को प्रदान करने वाला। हम यदि अपने गुरुओं में पूर्णतः श्रद्धावान बनकर के, भक्तिवान बनकर के पूर्ण समर्पित रहते हैं तो निश्चय हमारे जीवन में आने वाली विपदा स्वतः दूर हो जाती है। ऐसे अनंत उपकारी पुण्य सम्राट श्री जयंत संश्वेश्वर जी महाराज हैं, जिनका हमारे इस मरुधर क्षेत्रीय संघों पर, यहाँ तक कि प्रत्येक परिवारजनों पर भी अनंत कृपा रही है। क्योंकि ज्ञानी हमेशा एक के लिए नहीं होते हैं। सर्वर तर्वर संत जन चौथा वर्ष में ये चारों धारे परोपकार के लिए देह, यानी कि इन चारों को प्रवर्तमान करने के लिए ही गुरु होते हैं। तो हमारे इस मरुधर क्षेत्र में भी आपका अनंत उपकार रहा है। धर्म कार्य के लिए, विविध धार्मिक आयोजनों के लिए, धार्मिक कार्यों के प्रति प्रेरणा प्रदान करने में संघ उपध्यान क्षेत्रपालक उपध्यान चातुर्मास नवानु अनेक प्रकार की धार्मिक क्रियाओं को संपन्न कराने में प्रेरणा के साथ साथ गुरु का स्वयं का योगदान भी अंत से अंत तक निश्चित रूप से जुड़ा हुआ है। और गुरुदेव श्री राजेंद्र श्री सत्य महाराज साहब के यश गाथा ध्वज पताका को पूर्व से लेकर पश्चिम तक और उत्तर से लगा के दक्षिण तक, यानी कि दशों दिशाओं में जिन्होंने फहराने के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया, हम सभी अनुभव करते हैं। हमारे सभी के सामने सिद्ध होता है कि दक्षिण के प्रत्येक संघों में जाकर के गुरुदेव के नाम की अर्थ को जगाया। गुजरात में भी इसी तरह से हर छोटे से छोटे 5-10 घरों में भी जाकर के अलग जगा करके गुरुदेव की ध्वजा को हमेशा ऊंचा रख करके सार्वत्रिक और सभी जनों में आदरणीय, वंदनीय और नमन करने योग्य बनाया।